रामनगर के जो ठाकुर धर्मेंद्र सिंह हैं, उनकी परंपरा है जब गांव में किसी की शादी होती है तो सबसे पहले दुल्हन को वो अपनी हवेली पर मंगाते हैं और सुहागरात मनाते हैं। इसके बाद में दुल्हन को दूल्हे के घर भेजते हैं। ऐ प्रिय, ये बात हमारी समझ में नहीं आई और आपकी डोली हम उनकी हवेली पर नहीं भेजते हैं। अगर उन्हें पता चलेगा तो हमारे ऊपर वो काफी नाराज होंगे, लेकिन नहीं, जो होगा देखा जाएगा। आओ पहले हम और तुम आराम करते हैं और बाद में अगर यहाँ पर वो आते हैं बात करते हैं तो हम उनसे बात करते हैं। क्यों इसमें तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है? कौन हो? हम हैं गुंडागर्दी का इंस्पेक्टर। अरे क्या करते हो? हम दूध पकड़ते हैं। कैसा दूध? डिब्बे वाला। ए हमारे भी बाल बच्चे नहीं हैं जो हमें डिब्बे वाले दूध की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए तुम यहाँ से जाओ, बस हमारा यही आपसे कहना है। हम दूध चेक करने वाले इंस्पेक्टर, हम दूध पकड़ते हैं। तो जिस काम से है काम नहीं बता रहा हूँ, इंस्पेक्टर है, दूध पकड़ते हैं, दूध चेक करते हैं। अरे धर्म सिंह नमस्कार। नमस्कार। चलो तुम्हें गांव का नियम और परंपरा को नहीं मालूम है, तुम इसे लेकर के हथेली पर क्यों ले गए? देखिए धर्मराज सिंह, ये हमारी मर्जी है, ये हमारी दुल्हन है और हमारा दिल नहीं कहा कि हम इसे लेकर जाए, इसीलिए लेकर के गए हैं। तुम्हें मालूम होना चाहिए क्या हम किस लिए आए हैं? बोलो किस लिए आए हैं? तुम्हें का पैगाम मारुति गाड़ी कहा जाता है, साला मारुति गाड़ी बताए। लेकिन धर्म सिंह तुम जाकर के संदेश मेरा भी ठाकुर साहब से कह दो कि जो हम आपसे कहना चाहते हैं। पकड़े ना है यार। नहीं पठाएगा।
दुश्मन से डरते हैं। लेकिन बात यह है, हम आपकी कदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, इसलिए तुम्हारे ऊपर हम हाथ नहीं उठाते हैं। और आप ये समझे कि श्यामू हमसे डरता है और ये डर कर अपनी बीबी को हमारे साथ में भेज देगा तो नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी बात को सुनिएगा, परंपरा को निभा रहा हूं। अगर दिन देखा नहीं जाता है तो आंखें खोल लो और आ जाए। या तो परंपरा मार या भाई परंपरा का मार। पहले बता तू कहां रहता है? हम पूर्वीपुरा में रहते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सोनू है, मेरी माँ का नाम शांति देवी है। देखो सोनू, आप भी बच्चे हैं और हम तुम्हें समझा रहा हूं। यहां पर ठाकुरों का मामला है, तुम्हारा बोलना अच्छा नहीं, समझे? क्या बोलिस? इसलिए हम समझा रहे हैं। और जहां तुम बचाना बढ़िया बढ़िया बताओ, हम पढ़े लिखे हैं। इसका मतलब तुम्हारी समझ में नहीं आया है।
सही बताना इसको, इधर उधर मत बताओ, नैया का इलाज में है भोज। सुनो भैया, आप समझ नहीं पाए हैं तो हम तुम्हें दोबारा बताते हैं। सुनो बता भैया बताओ। वैसे भैया ये बात हम बात है ही नहीं है कि आगे आगे तुम भौजी कहाँ बुला के लेके आए हो और पाछे पाछे सारे बुला हुए। अरे मार रहे नहीं, कोई समझाने वाला नहीं है। वार भाई वार तो बहन भाई दोनों भैया समझ नहीं पाए। एक ही बात करो सर, समझे सही सही बता रहे हैं। बहन का डांस हो रहा है चिटके मुंह। सुनो भैया बात यह ना है जो तुम समझ रहे हो। कहा इस रिश्ते जाने आए। अच्छा एक बात बताओ, तुम ठाकुर धर्मेंद्र सिंह को जानते हो? हाँ उनका सुन थे ना। हाँ तुम उनके ये मुंह लगे नौकर है, उनका नाम है धर्मदास। और ठाकुर साहब की परंपरा गांव में है, चलती है कि गांव में जब किसी की शादी होती है तो उसकी दुल्हन को अपनी हवेली पर पहले मंगाते हैं, उसके साथ में सुहागरात मनाते हैं, इसके बाद में दूल्हे के घर दुल्हन को पठाते हैं। और हम अपनी दुल्हन को लेकर उनकी हवेली पर नहीं गए, इसीलिए ये हमारी दुल्हन को बुलाने आए हैं, यानी पकड़ने के लिए आए हैं। नंबर दो गोली नहीं है, अब बंदूक भी नहीं है। अब तुम दोनों लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी शायद भी नहीं है। अबे साले हम कहे थे दूर से हटाओ, तुम साले बंदूक को पकड़ा दिया। चलो ठीक किया, कारतूस लेने तो है नहीं, चलो लड़के को ठीक करता हूँ उसके बाद। हराम क्या दे तेरी चीज को, हम भारी भाड़ा।
गया साले उंगली जहां तहां लगा रहे हैं। कपड़ा उतारो हो खड़े तूने मुझे कहा नहीं कर यही ना तो हम अपन फलवाई कहा आप हम अपन बोल गया तो मेरे नौकर मैं जो कहता हूँ कही इसके कपड़े उतारो ये साला तुम्हारी तरफ बार बार दौड़ रहा है सुनो भैया हट लो क्या बात तुम्हें नहीं मारेंगे यहाँ ये हट लो और इसे 50-17 ऐसे मारो ताकि दोबारा तुम्हारी तरफ नजर ना उठाए मारो सारे को अभी मैं बहुत सड़ी जीजा कोई डेढ़ घंटा लग जाए साले कोई बचने का जुगाड़ सोचो भाई तो सोच रहे हैं अब हाथ घंटर बाबा है उनका फिर मार तो मारते निकाल दे भगाई ले चली अब मारे कहीं नहीं तो हम घूमने से रह चले अब तुम खुद जोर जोर खोखे हो साला चिल्लाने को नहीं कहता कहता जोर जोर काटो हम धीरे से मारा फोन हाँ अब से मार मार निकाल देंगे मरी जाए सर शेर बकरा अगर ऐसे मारोगे तो बाद में मिलेगा फिर तुम मर जाओगे इसलिए ऐसे नहीं मारा जाता हम बताएंगे पैसा ले भूख क्यों लगाता है भूख की बीमारी लगे तुम का ज्यादा खा ही ना मरे बहुत अरे तू तुमको बड़ी बड़ी चीजें नहीं लगा दी रुपया की मोहम्मद छो बुला गया किताब खालो मोहम्मद छो बुला गया ताकि कभी भी ऐसा अरे ये तो बहुत बुरा हो गया साला धोखा देगा और उसे मारते मारते भगा देगा चलाओ अरे यार देखिए सारा बंदूक छीन ले गया अरे हरे सारे रही जाए जो बंदूक हम पक्ष कर का और वह कुदार चलावे वाले धमी बंदूक से क्या कर वैसे भैया सोनो भैया हम आपके एहसान मंद हैं अगर आप नहीं आ जाते तो इस साले तो थे हमारी दुल्हन को उठा ले जाते तो उठावे यार उठा ले जाते और जब भोजन वहां पहुंच जाते तो उठा कर फिर माना
अच्छा भैया ये बताओ तुम्हारे कभी कब से चले चलिया हो? सुनो भैया, हम जब से चाहने वाले हुए हैं तब से ये परंपरा हमारे गांव में चलती है। जब से तुम जाने वाले? हाँ भैया। से ये परंपरा हमारे गांव में चलती है। जब से तुम जाने वाले? हाँ भैया। तो जाइए, लेकिन कल पहले इधर आना तो हमारे घर पर जरूर आना, ठीक है? अरे भैया जब ये भैया तुम रहे हुआ तो तुम्हें हमें जरूर लगे। अच्छा भैया जी, आराम सबका बोलो सरदार, ठीक ठीक हम आपकी बात नहीं भूलेंगे। दोस्तों वैसे सोनू का सुझाव अच्छा है, हम गांव वालों को एकत्रित करेंगे और उनसे हम ये बात बताएंगे कि जैसे हम अपनी दुल्हन को नहीं भेजे हैं, उनकी हवेली पर नहीं बैठाए हैं, अगर सभी लोग सहमत होकर के उनका मुकाबला करो तो उनकी हो सकती है ये परंपरा सदैव के लिए खत्म हो जाए। चलना चाहिए, अपनी बीवी को समझाना चाहिए कि वो धर्म सिंह यहाँ से भाग गया है। काफी टाइम हो गया है धर्मराज वापस नहीं आया है, हमें लगता है कि शायद उस सारे सिंहों ने अपनी बीवी को भेजने में कुछ आना पानी किया है। खैर थोड़ी देर इंतजार करेंगे फिर पता लगाएंगे ये सब अभी तक क्यों नहीं आए हैं।